हेलो मित्रों, दिस इज गौरव ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो जय माता जी, लेट्स व्लॉग। तो कैसी है अपनी जीटी फैमिली? सो गाइस, बाहर मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, क्लाउडी वेदर है और धूप कभी कभार निकल रही है, लेकिन बहुत ही कम धूप निकल रही है और जो मौसम है वो टोटली क्लाउडी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाया जाए और इस मौसम जो ऑसम बना है उसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वैसे भी मौसम को बनाते हैं और ऑसम, और कहते हैं ना आपने मौसम बदल दिया। सो गाइस, बस उसी तरीके से आज बाहर चलते हैं और बनाते हैं अपनी जीटी फैमिली के लिए बढ़िया सा वीडियो, बढ़िया सा व्लॉग। और वैसे भी भाई साहब, मौसम का फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मौसम होता है ना भाई, वो ऐसे भी भाई देखो, ये मई जो महीना है ये ख़त्म होने आ चुका है, वैसे ज़्यादा बाकी नहीं है, लेकिन ये जो मई महीना है ये ख़त्म होने आया है, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में बारिश शुरू हो जाएगी। और बारिश में बहुत ही निकलना कम हो जाता है अपना बाहर, क्योंकि बारिश में भाई मतलब काफ़ी सेफ रखना पड़ता है, जो हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमरा होता है, गोप्रो होता है, तो काफ़ी उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ये मौसम ऑसम हो रहा है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो इसीलिए चलिए चलते हैं बाहर और इस मौसम का उठाते हैं फायदा और आपको भी दिखाएंगे कि भाई कैसा वेदर हो रहा है बढ़िया सा। तो करते हैं वीडियो को यहीं स्टार्ट। और वैसे भी हेलमेट में माइक्रोफोन चेंज कर दिया है, तो काफ़ी अपना जो ऑडियो है और जो बूसा का साउंड है वो इम्प्रूव हो चुका है, नॉइज़ काफ़ी कम हो चुका है। तो अपना ऑडियो और बूसा का साउंड बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैंने भी खुद सुना है भाई, मैंने सारे वीडियोज, जैसे मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया था, सारे वीडियोज़ मैंने चेक करे, तो जो ऑडियो है, जो भूसा का साउंड है, वो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी हद तक क्लियर आ रहा है, और विंड नॉइज़ और विंड ब्लास्ट बहुत ही कम आ रहा है। तो यार, माइक्रोफोन से मुझे एक बात याद आई, अभी कुछ ही दिनों पहले अमेजोन पे एक बढ़िया सी प्रोडक्ट मैंने इसी माइक्रोफोन के लिए मंगवाई है। जैसे ही वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाती है, शायद तो कल डिलीवर हो जाएगी, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाती है मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई वो क्या है और किस तरीके से वो माइक्रोफोन में यूज होता है, जिससे जो विंड है वो और ज़्यादा कम हो। तो जैसे ही मिल जाती है मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगा। और वी आर प्लीज़, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सारे दोस्तों में शेयर, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के घर जिसका नाम है पिंकेश, क्योंकि आज मौसम वैसे अभी फ़िलहाल धूप निकल चुकी है, लेकिन मौसम तो अभी फ़िलहाल ऑसम ही है। तो दोस्त के घर जाते हैं, फिर दोस्त को पिक करके देखते हैं भाई कहाँ पर जाते हैं, कोई बढ़िया सी लोकेशन पे तो ज़रूर जाएंगे अगर हो सका तो, वरना तो फिर दोस्त को लेकर गेड़ी लगाकर वापस घर। लेकिन वीडियो पे बने रहो, पता ज़रूर लग जाएगा। और वैसे मेरे पास गिव अवे की भी काफ़ी डिमांड आई है कि सर आप गिव अवे करें, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो गिव अवे करते हैं, लेकिन गिव अवे क्या करें? एक भाई ने बोला हेलमेट गिव अवे करो, तो हेलमेट तो यार बढ़िया है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, तो जो भी राइडर्स होते हैं उनके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि यार ये सही है, हेलमेट गिव अवे करते हैं। तो फिलहाल मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या करूँ, लेकिन अगर हेलमेट भी गिव अवे करते हैं तो कोई बढ़िया से हेलमेट गिव अवे करेंगे, ऐसा नहीं है भाई कि सस्ता वाला 1000-2000 वाला गिव अवे कर देंगे, बढ़िया वाला हेलमेट गिव अवे करेंगे। सो बैक टू पॉइंट, 1000-2000 वाला हेलमेट गिव अवे नहीं करेंगे, करेंगे तो बढ़िया सा थोड़ा करेंगे, क्योंकि उसमें सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए भाई, सेफ्टी फर्स्ट। और जो लॉक होता है वो डबल डीरिंग लॉक हो, तो ऐसा ही कोई बढ़िया सा हेलमेट मैं चूज़ करूँगा, उसके बाद करेंगे बढ़िया सा गिव अवे।
और आज ये मैं कुछ अलग कुछ डिफरेंट लोकेशन पे आया हूँ। वैसे जो मेरा दोस्त है पिंकेश, उसका घर इसी रूट पे आता है, इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो भरूच में रहते हैं उनको शायद ये रूट पता भी चल गया होगा कि ये कौन सा रूट है, कौन सा रोड है। लेकिन भाई जब मैं पहले आता था ये वाले रूट पे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं था, अभी तो भाई काफ़ी डेवलप होने लगा ये वाला रूट भी। बढ़िया बढ़िया ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनने लगी है, मॉल्स बनने लगे हैं यहाँ पे। पहले तो भाई कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था ये, देखो अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे। पहले तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं था इस रूट पे, पहले तो बहुत आते थे, काफ़ी सालों पहले की बात कर रहा हूँ। गाइस दोस्त को मैंने पिक कर लिया है और अभी हम एक बढ़िया सी लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे शायद फ़ोटोशूट करेंगे, देखते हैं भाई अभी क्या प्लान होता है। वैसे फ़ोटोशूट का तो कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पोस्ट डालने के लिए यार फ़ोटोज़ तो खींचना ही पड़ते हैं, तो बढ़िया सी लोकेशन पे जाएंगे और बढ़िया फ़ोटोशूट करेंगे। तो बढ़िया फ़ोटोज आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे चीट फिल्म्स इंडिया, फॉलो ज़रूर कर लेना। फेवरेट रास्ता, अपना फेवरेट रोड, क्योंकि ये वाले रास्ते पे भूसा खींचने का मज़ा कुछ अलग ही आता है, लेकिन काफ़ी सेफली खींचना पड़ता है। अगर सडनली बीच में से ही कोई निकल जाता है भाई वो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सेफली खींचना पड़ता है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी भाई सडनली कोई भी बीच में से कहीं से भी निकल सकता है, तो उसका भी यार ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस आप खींच रहे हो तो आपको सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अभी हम एक दोस्त के फार्म पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे घर भी पहुँचना है और ये वीडियो एडिट करके शाम तक अपलोड कर देना है, तो अभी भी काम काफ़ी बाकी है। तो यहाँ पे करीबन 10 से 15 मिनट में यहाँ से निकल जाऊँगा फ़ोटोशूट करके। सो गाइस अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पीछे में फ़ोटो सेशन चालू है, लेकिन ये जो लोकेशन, ये जो जगह है बहुत ही बढ़िया है, एक दोस्त का फार्म ही है, तो लोकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है और पीछे में फ़ोटो सेशन चालू है, लेकिन लोकेशन तो भाई एक नंबर है। अपने ने भी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, सारे फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, फॉलो ज़रूर कर लेना, आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो लोकेशन देखो भाई एक बार, बढ़िया सी लोकेशन है और बढ़िया यार, वैसे जगह काफ़ी बढ़िया है। तो चले अब यहाँ से फ़ोटो सेशन ख़त्म होने के बाद निकलते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं घर, क्योंकि वीडियो एडिट करके फिर अपलोड भी करना है, तो चले निकलते। तो गाइस लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खींचे आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जो काम है वो काम भी ख़त्म करना है, घर पहुँचना है, वीडियो की एडिटिंग करनी है और आप लोगों के लिए डालने भी है। चल भाई चल मैडा चल, थोड़ी बहुत यहाँ पे यार ऑफ रोडिंग भी कर ली। लेकिन यार लोकेशन बहुत ही बढ़िया थी, कभी नेक्स्ट टाइम आने का मौका मिला तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे और बढ़िया से और फोटोज़ खींचेंगे और वीडियो भी बनाएंगे यहाँ पे ही बढ़िया सा।
अभी तो फिलहाल पहुँचते हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है और गर्मी भी बढ़ चुकी है। जो क्लाउडी वेदर था वो फिलहाल अभी जैसे गायब हो चुका है, तो गर्मी काफ़ी लग रही है। तो ये आ गए हम मेन रोड पे। जब घर ज़्यादा दूर नहीं है तो करते आज का वीडियो यहीं पे क्लोज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो मिलते हैं, सी यू, तारा, बाय बाय।